गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी का डिटेल एक्सप्रेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं डीएफ का इंटीग्रेशन एन माइनस वन से एन तक बराबर एक से ए ही होता है एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि बच्चे जानते हैं डीएक्स वाई डी टी इक्वल टू वी और वी इक्वल टू यू प्लस एट। यहाँ देखिए डीएक्स बराबर हम लिखेंगे यू डी टी प्लस ए टी डी टी। इसी मान वैल्यू को हम यहाँ प्रूव कर देते हैं यू डी टी ए माइनस वन से एन तक प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन ए माइनस वन से एन तक। चलिए इसको सॉल्व हम जब करते हैं एक्स एन इक्वल टू यू को बाहर कर देते हैं डी टी का इंटीग्रेशन ए माइनस वन से एन तक प्लस ए टी डी टी ए माइनस वन से एन तक। इसको जैसा कि हम जानते हैं डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है इसका और टी डी टी स्क्वायर का टी स्क्वायर बाय टू भर देते हैं नीचे ए माइनस वन एन नीचे ए माइनस वन एन। सॉल्व जब से करते हैं तो आता है एक्स एन इक्वल टू यू सॉल्व करें एन माइनस वन करते हैं प्लस ए यहाँ पर ए एक बार रखेंगे एन स्क्वायर बाई टू दूसरी बार रखेंगे ए वाला एन माइनस वन बाई टू का यहाँ पर एन माइनस वन का हाउल स्क्वायर और बाई यहाँ पर रखेंगे यू एन से एन कैंसिल हो गया प्लस ए टू को हम बाहर कर दिया ए बाई टू इसको एन स्क्वायर इसको हम फिफ्टी में तोड़ेंगे तो आएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन कट करें एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट हो गया यहाँ कट गया यानी एक्स एन इक्वल टू आया यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन यानी एनवी सेकेंड में तय की गई दूरी इक्वल टू यू प्लस टू एन माइनस वन ब्रैकेट वन इंटू ए बाई टू। हम समझते हैं वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और करके थैंक यू।